हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल बोटिया भाई जी। दोस्तों लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों मैं अभी जा रहा हूँ स्टेज की ओर, गोचर मेले का स्टेज जो कि इस बार मना था कुछ जबरदस्त। और ये देखिए मेरे पीछे, और इस बार रेलवे के द्वारा दिया गया था यहाँ पे फंड 2 करोड़ का। तो ये बोलने वाले ऐसे बोले थे कि भाई ये तो रेलवे का सुरंग है और इस बार मज़ा नहीं आया मेले में, और ख़र्चा तो इन्होंने बहुत किया था। तो जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये मकान है मेरे गांव मलारी का। ये है पोस्टर, तो मैं ले चलता हूँ आपको आगे और अंदर दिखाता हूँ क्या क्या है और एंटरटेन करूँगा मैं अंदर। और ये देखिए सुनसान हो चुका है, 7 दिन का पता भी नहीं चला मेरे को। और मेरा शॉप का तो देख ही दिया होगा आपने, तो चलते हैं अंदर, दिखाता हूँ मैं आपको डीप से मलारी का पोस्टर जो गोचर मेले में इस बार छाया रहा। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों देखिए, आज मैं आपको स्टेज के अंदर ले जा रहा हूँ, और जहाँ पे आपको फ्रेम के अंदर दिखाई दे रहा है जो पोस्टर, वो है मलारी गांव, मेरे गांव का। तो अब मैं बहुत नज़दीक ले चलता हूँ आपको, क्योंकि भीड़ भाड़ होने के कारण मैं आगे का फ्रंट नहीं दिखा पाया। और मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्ट वहीं पर, और दिखाता हूँ कैसा है वो पोस्टर। तो वीडियो पे बने रहे, लाइक कमेंट शेयर दबा के करें, आगे बढ़ते हुए मेरे कदम। और आज देखिए यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है, 7 दिन का पता नहीं चला। और ये रेलवे विभाग का सुरंग है ऐसे बोला जा रहा है। ये देखिए ये है यहाँ पे गढ़वली मस्का बाजा वाला। और ये देखिए अब आगे ले चलता हूँ मैं, कितना अंदर ले चुका हूँ मैं। तो ये है मलारी गांव का। अरे देखिए ये हाथी क्या है, ये हाथी, अच्छा भालू, ये ग्रीन भालू आनंद ले रहा है। अरे देखिए ये है मलारी का, ये है पोस्टर पे। तो ये बाहर से बड़ा अच्छा लग रहा है, और यहाँ से मैं इसके अगल बगल से मैं गुजर चुका हूँ, ये वाले मकान से, मलारी गांव का है ये। तो ये इस बार गौचर मेला का जो स्टेज का नाम था, तो मलारी के स्टेज के नाम से ही ये बार प्रचलित हो रहा था। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को ये फ्रेम देख के। तो मैं आप थोड़ा इस भालू में मैं भी बैठता हूँ। तो दोस्तों देखिए मेरे पीछे ये है मलारी गांव का एक मकान जो गोचर में लगा हुआ है। अब मैं बैठूंगा भालू में। भालू में बैठने से पहले मैं थोड़ा ढोल वाले के साथ, ये देखिए आज खुला है, तो मैं यहाँ पे आनंद ले रहा हूँ। ये ढोल वाले के साथ चले गया मैं। अब इसके बाद कौन सा है मस्का, अच्छा ये ढोल वाले के साथ वाला, ये तुमड़ी वाला, ये देखिए तुमड़ी, और ये मस्का बाजा। और अब मैं बैठने वाला हूँ भालू में, आज फ्री का है तो आनंद लेता हूँ मैं। तो दोस्तों मैं बैठ चुका हूँ भालू में। भालू में वैसे किसी की बस की बात नहीं है बैठना, तो मैं बैठ चुका हूँ भालू में। ए भाई थोड़ा ले इसको, भालू को ढंग से बढ़ा दे। भालू में पूंछ भी होती है? भालू में पूंछ भी है? हाँ। अच्छा तो हो गई, ये तो हरा भालू है, वैसे भालू ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे को ले जा पूरा सेल्फी में, है इधर से पकड़ ऐसे। हाँ अब आगे का भी दिखा, निकल गए। आ रहा है भालू दोस्तों, आ रहा। हाँ ये भालू आई, काट रहा है ये भालू। अब मैं आगे चलता हूँ थोड़ा मकान की ओर। तो दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ मलारी गांव के मकान का जो फ्रेम पोस्टर था उसके नज़दीक, बता देता हूँ नज़दीक से कैसा लग रहा है वो। अभी मैं स्टेज है यहाँ पे से 100 गायकार गाना गाते हैं, तो आज उन्होंने कर दिया है उतड़ पुतड़। और यहाँ पे इस बार कुछ ज़बरदस्त था स्टेज। और ये देखिए ये फ्रेम मकान मलारी का। और आप मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए ये है पर्दा,
तो देख सकते हैं इस वाले मोमेंट से मैं गुजर चुका हूँ अपने गांव में रियल जो मकान है। तो मज़ा आ गया, आज स्टेज पे हूँ मैं और ये देखिए मकान मलारी का। तो मज़ा आ गया गोचर मेला। तो दोस्तों गोचर मेला इस बार कुछ 2 साल कोरोना होने के बाद हुआ तो लेकिन मज़ा नहीं आया यह बार, ऐसा लोग बोल रहे हैं। और अभी मिलाता हूँ मैं औरों से भी कैसा रहा ओपिनियन यहाँ का, तो इस बार मज़ा नहीं आया बोल रहे थे लोग, जबकि 2 साल गैप होने के बाद यहाँ पे फुल मज़ा आना चाहिए था। और यहाँ पे लोकल गायकार उनको भी नहीं बुलाया गया था। और चलते हैं आगे। वीडियो मेरे वीडियो बना हाँ मस्त वहाँ। तो दोस्तों मेरे को तो मज़ा आ गया मलारी का स्टेज देख के, और ये बहुत ही खूबसूरत सजाया हुआ था। और ये देखिए क्या मस्त 3D लुक का यहाँ पे पोस्टर है ये, और मेरे को मज़ा आ गया। आज सुनसान था यहाँ पे इसलिए मैं यहाँ पे आज आ गया शूट करने, तो मज़ा आ गया मेरे को। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ हाँ दिखाई नहीं दे रहे हो आप, दिखाई नहीं दे रहे काउंटर के पीछे। तो अब इनके सामने इसको ना या वो